न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज न्यूज चक्र में आपके सामने दो मुद्दों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कश्मीर के अंदर एक बार फिर नए सिरे से हिंसा, हमारे 9 सैनिक शहीद और पिछले 12 घंटों में 2 बिहारी मजदूरों को मौत की घाट उतार दिया गया, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं है, हम उसकी चर्चा करेंगे। मुद्दा नंबर 2, बेअदबी का। लखबीर सिंह नाम के एक शख्स को निहंगों ने मौत की घाट उतार दिया। आरोप उस पर यह था कि इसने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की है, मगर यह अफगानिस्तान नहीं है, यह भारत है। यहां किसी को सजा मिलेगी तो यहां के कानून के हिसाब से। क्या हम इस आसान सी बात को भूल गए? मगर सबसे पहले मैं कश्मीर की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, श्रीनगर और पुलवामा के अंदर बिहार की पृष्ठभूमि के मजदूरों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अरविंद कुमार शाह, जो कि बांका बिहार का रहने वाला है, और उत्तर प्रदेश का सगीर अहमद, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात यहां नहीं रुकती, आपके सामने यह है कश्मीर पुलिस का ट्वीट। वो क्या कह रहे हैं? टेररिस्ट फायर्ड अपॉन 2 नॉन लोकल लेबरर्स इन श्रीनगर एंड पुलवामा। श्री अरविंद कुमार सह ऑफ बांका बिहार सकम टू इंजरीज इन श्रीनगर एंड श्री सगीर अहमद ऑफ यूपी क्रिटिकली इंजर्ड। बाद में दोस्तों खबर आती है कि उनकी भी मौत हो जाती है। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और तस्वीरें लेकर आया हूं। एक एक करके तस्वीर आपके स्क्रीन पर आएगी और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भारतीय सेना के 9 जाबाज शहीद हो गए, उनके नाम आपके स्क्रीन पर। नायक मनदीप सिंह, सिपाही वलशाख, राइफलमैन योगंबर सिंह, राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी, नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, सिपाही सरज सिंह, सिपाही गजन सिंह, सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह। आखिर हो क्या रहा है कश्मीर के अंदर? ना हमारे सैनिक वहां सुरक्षित हैं और आम इंसान पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं आतंकवादी, इसका मकसद साफ तौर पर दिखाई देता है। इसका मकसद यह है कि अब आम भारतीय कश्मीर आने से डरे। हमारा जो गरीब कश्मीर जाकर मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसके मन में इस कदर डर पैदा कर दिया जाए कि वो हिम्मत ना कर सके कश्मीर आने की। और पर्यटन के जरिए जो आम कश्मीरी अपनी रोजी रोटी कमाता है श्रीनगर और गुलमर्ग में, उसकी भी कमर को तोड़ दिया जाए। आतंकवादियों की साजिश तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम पिछले एक महीने से लगातार देख रहे हैं ML बिंद्रू साहब, एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है। 2 टीचर्स दीपक शांज और सुपेंदर कौर, दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर सत्ता ने हमें क्या वादा किया था यह ना भूलें। हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था कि धारा 370 आप जैसे ही हटाएंगे, कश्मीर पर से आतंकवाद का नामो निशान हट जाएगा। हमें यह भी वादा किया गया था कि नोटबंदी जैसे ही लागू होगी, इसका असर यह होने वाला है कि कश्मीर पर से आतंकवाद का काला साया खत्म हो जाएगा। एक नहीं, 2-2 वादे किए गए थे, नोटबंदी के नाम पर और धारा 370 के नाम पर। मगर हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। चाहे नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 हो, इसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जीतना था, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मकसद कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग ईमानदार होते कश्मीर के प्रति, तो आतंकवाद और हिंसा इस तरह से अपना सिर ना उठा रही होती।
आज ये सवाल उठना लाजमी है कि कश्मीर के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी चाहे हिंदू हों चाहे सिख हों, उन्हें इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा है। और मैं मानता हूं सिर्फ हिंदू और सिख नहीं, क्योंकि मारे वहां पर मुसलमान भी जा रहे हैं। आतंकवाद की गोली के सामने धर्म कोई मायने नहीं रखता, मगर आतंकवाद इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर आज ये सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे, देश के गृहमंत्री अमित शाह और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मैं ये पूछना चाहता हूं इन दोनों में से किसकी जवाबदेही कश्मीर में तय की गई है। दोस्तों, पिछले 6 दिन में हमारे 9 जाबाज सैनिकों का शहीद होना एक आम खबर नहीं है। सिर्फ पिछले 12 से 24 घंटों में बिहार से 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार देना, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, यह सामान्य खबर नहीं है। दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का इस्तेमाल सिर्फ कुछ राज्यों में वोट हासिल करने के लिए करेगी तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हकीकत यह है कि हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर का इस्तेमाल सिर्फ वोटों की सियासत के लिए किया है। उन्होंने कश्मीर को बदनाम किया प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं किया। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की हीलिंग टच पॉलिसी से भी कुछ नहीं सीखा। तो जब आप इस तरह की निचली सियासत करेंगे तो कश्मीर में हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, मुझे बताइए। जब तक आपकी यह सोच बरकरार रहेगी तब तक इस तरह की आतंकवादी घटनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। और हां, आज की तारीख में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कश्मीर के बहुसंख्यकों की, यानी कि वहां के मुसलमानों की, कि वो वहां की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं और सिखों में विश्वास पैदा करें। मैंने एक खबर देखी थी कि मस्जिदों में से यह ऐलान किया जा रहा है कि हिंदू और सिख न जाएं, वहां बसे मुसलमानों को इससे कहीं आगे बढ़ के वहां के हिंदुओं और सिखों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। देखिए, और उसी तरह से बाकी भारत में बसे हिंदुओं को यह तय करना पड़ेगा जो कश्मीर में हो रहा है उसके चलते आप लखनऊ में या बनारस में या दिल्ली में मेहनत से जो रोजी रोटी कमा रहे हैं कश्मीर या कश्मीर की पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, उन पर आप निशाना ना साधें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। भारत सरकार को सोच समझकर अपनी रणनीति का फैसला करना पड़ेगा और देश की जनता को भी जिम्मेदारी और सूझबूझ भरे रवैये का परिचय देना होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बांग्लादेश में एक नए सिरे से वहां की जो हिंदू आबादी है उन्हें वहां के कट्टर इस्लामी जो हैं वो निशाना साध रहे हैं। खबर आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश में अब इस्कॉन मंदिर पर हमला, भीड़ ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। यह खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई। इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा है कि बांग्लादेश की नोआखली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर वहां मंदिर को निशाना साधा गया है। इसी तरह से दुर्गा पूजा और आसपास का जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वहां की हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस पर वहां की प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर। जिन लोगों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया उनका शिकार किया जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जब वहां की माइनॉरिटीज पर हमला होता है तो वहां की प्रधानमंत्री देश के सामने आकर बयान देती हैं, देश की जनता में विश्वास पैदा करती हैं, मगर ये ऐसी कोई चीज भारत में क्यों नहीं होती? हमारे यहां तो ढेरों मिसाल हैं जब मुसलमानों पर निशाना साधा गया है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा, उसने अपनी गाड़ी के जरिए कथित तौर पर
किसानों को रौंद दिया था, अब तक प्रधानमंत्री खामोश हैं, कोई एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि साजिश में अजय मिश्रा भी शामिल थे। यानी कि न सिर्फ मोनू मिश्रा, उनके बेटे मोनू मिश्रा, बल्कि अजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मगर आज तक अजय मिश्रा को उनके पद से नहीं हटाया गया है, वो अपने पद पर बदस्तूर बने हुए हैं, अब भी गृह राज्य मंत्री हैं। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री खामोश। और बांग्लादेश में देखिए साहब, हिंदू मंदिरों पर हमला होता है और वहां की प्रधानमंत्री सामने आती हैं और कहती हैं और हिंदुओं में विश्वास बढ़ाने का प्रयास करती हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों कुछ नहीं होता? मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कश्मीर में वहां के हिंदुओं और सिखों पर हमला होता है तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन फुर्ती दिखाए, गृह मंत्रालय फुर्ती दिखाए। बहुत जरूरी है कि वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है वो माइनॉरिटीज में विश्वास पैदा करे और उसी तरह से पूरा देश एकजुट दिखाई दे, वो पूरी तरह से नदारद है। इस्कॉन का बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना से बातचीत करें। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री कम से कम इस मुद्दे पर तो कुछ कहें। एक जमाना था दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे साहब मनमोहन सिंह नहीं है, ये मौन मोहन सिंह है। मगर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पत्रकारों के सामने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और जब ऐसी घटनाक्रम आते हैं तो पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। यह बात आपको सामान्य लगती है? यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? बताइए, क्या इस बात को लेकर आप जो इस देश की जनता हैं, आपको देश के गृहमंत्री अमित शाह से सवाल नहीं पूछना चाहिए? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मोदी जी कि जब चुनावी रैलियां आती हैं तब आप खूबसूरती से बयानबाजी करते हैं, दीदी ओ दीदी करते हैं, मगर जब इस तरह का घटनाक्रम आता है आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। क्यों? क्यों? सवाल गलत है क्या भाई? बोलिए। और न्यूज चक्र में आज जिस दूसरे मुद्दे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है सिंघू बॉर्डर में लखबीर सिंह की हत्या। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि पंजाब का लखबीर सिंह, उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, मगर ये जो पेंटिंग है वो उस हकीकत को दर्शा रही है। उसका हाथ काट दिया गया, उसके अंग भंग कर दिए गए, और ये सब हुआ बेअदबी के नाम पर। लखबीर सिंह पर यह आरोप कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की। और देश के अंदर ऐसे कई लोग सामने उभर कर आ गए हैं जो निहंगों, क्योंकि इस घटनाक्रम के पीछे निहंगों का हाथ है, उनके काम को सही ठहराने, जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपके सामने दो जानकारियां पेश करना चाहूंगा। दोनों जानकारी मेरी पत्रकार मित्र तनुश्री पांडे की खोज के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला, दिस इज लखबीर सिंह हाउस इन चीमा कला नियर पाकिस्तान्स बॉर्डर इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। देर आर 5-6 पिक्चर्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन हिज रूम। लखबीर वॉज एज रिलीजियस एज एनी निहंग इज, ही डिड नॉट डिजर्व टू डाई। तनुश्री पांडे लखबीर सिंह के घर गई और वहां से वो ये तस्वीर लेकर आई हैं कि लखबीर खुद गुरु गोबिंद सिंह का बहुत बड़ा उपासक था। फिर लखबीर सिंह, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ड्रग एडिक्ट भी था, अगर वो गुरु गोबिंद सिंह की इस तरह से पूजा करता था तो गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती या तौहीन कैसे कर सकता था? अब दूसरी खबर पर गौर कीजिए। There is more to what happened with Lakhbir Singh than meets the eye. He took 50 rupees from sister, said going till Mandi but never returned. Kin says he had never been to Delhi before, not even for farmers' protest. He was religious but would not desecrate Granth.
तस्वीर देख सकते हैं, एक एक करके चार तस्वीरें। ये लखबीर के परिवार की तस्वीरें हैं जो शोक में डूबा हुआ है। लखबीर पर निहंगों ने आरोप लगाया दोस्तों कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की। मगर ये दो खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। वो कभी दिल्ली नहीं गया, यही नहीं वो कभी किसानों का जो प्रदर्शन कर रहा था वहां पर भी नहीं गया। उसका विश्वास गुरु गोविंद सिंह में था। फिर ये शख्स सिंघू बॉर्डर जाकर आखिर क्यों गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन करता है? जिन निहंगों ने लखबीर सिंह को मौत के घाट उतार दिया, क्या उन्हें उसे मौत के घाट उतारने के बजाय इस बात की पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी पुलिस को उसको सुपुर्द करके कि आखिर यह शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं इसके पीछे एक लंबी चौड़ी साजिश तो नहीं है? मगर उससे भी बड़ी बात, अगर यह साजिश नहीं भी है, अगर वाकई शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन की, तो यह देश तालिबानी फरमान या धर्मांधता के सिद्धांतों के तहत चलेगा या लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत, देश के कानून के तहत जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से चलेगा? क्योंकि एक बात स्पष्ट कर दूं मैं दोस्तों, यह मामला बहुत पेचीदा है। इसके पीछे की क्या सियासत है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लखबीर सिंह वहां क्यों गया था यह बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या इसकी जड़ में हमें नहीं पहुंचना चाहिए? बताइए। दुख की बात यह है दोस्तों, जैसा कि यह तस्वीर बयां कर रही हैं, कि जिन निहंगों ने उसकी हत्या की उसका सम्मान किया गया, धार्मिक लोग उनके इस काम को जायज ठहरा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में भारत और तालिबान में क्या फर्क रहा? बताइए। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अपना फरमान जारी करता है तो उसको उसका नुकसान किसको होता है? बताइए। उसका नुकसान होता है आम इंसान को, उसका नुकसान होता है माइनॉरिटीज को। अगर हम लोग लखबीर के सिंह के साथ जो किया गया उसे जायज ठहराएंगे, तो कल को इसी से प्रेरणा लेकर इस देश का जो बहुमत है वो माइनॉरिटीज के साथ उसी तरह का अत्याचार करेगा। क्योंकि फिर वो यही कहेंगे ना कि भाई सभी का विश्वास तो इसी तालिबानी फरमान में है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, कमलेश तिवारी, ये शख्स कमलेश तिवारी, इस पर ये आरोप था कि इसने हजरत मोहम्मद साहब की तौहीन की थी। वो जेल भी गया मगर बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये जिंदा था तो मैं नहीं भूला हूं कि कई मुस्लिम धर्मगुरु, समाजवादी पार्टी के एक नेता ये कह रहे थे कि कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया जाए, फांसी दे दी जाए। आप जानते हैं इस देश में अगर आप धर्म की तौहीन करते हैं तो मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। मगर जब धर्म की बात आती है तब आप तालिबान के फरमान का सहारा लेते हैं। यह दोहरे मापदंड नहीं है क्या? तब आपको मानवाधिकार की याद नहीं आती है? बताइए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं दोस्तों, अगर लखबीर सिंह की हत्या ना की गई होती, अगर उससे पूछताछ की गई होती, तो क्या पता इस मामले के पीछे जो साजिश है वो साजिश सामने आ सकती थी। मगर आज उसको मौत के घाट उतार कर आपने पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया है और आज भी कई लोग उसकी मौत को जायज ठहरा रहे हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं मानता हूं कि एक लोकतंत्र की अपनी खामियां होती हैं, मगर भारत का लोकतंत्र वो जितना बदनुमा है उतना ही खूबसूरत भी है। मैं जानता हूं कि पिछले 6-7 सालों में भारत का लोकतंत्र एक संकट से गुजर रहा है, मगर रास्ता फिर भी लोकतांत्रिक मूल्य ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। यकीनन दोस्तों, धार्मिक प्रतीकों की बेइज्जती, उनकी तौहीन से बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारा विश्वास है, भगवत गीता के प्रति हमारा विश्वास है, मंदिरों, मस्जिदों, हजरत मोहम्मद साहब के जो सिद्धांत थे उनके प्रति हमारा विश्वास है। इनसे हम मानसिक तौर पर, दिली तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी कोई इनकी तौहीन करता है तो हम में बेतहाशा गुस्सा आता है। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी धार्मिक किताब
इंसान की हत्या की वकालत करती है। बताइए कौन सी धार्मिक किताब इस तरह के इंसान की हत्या की वकालत करती है। हां, मैं जानता हूं कि कई धार्मिक किताबों में इस बात की वकालत की जाती है कि आप अपने धार्मिक प्रतीकों की रक्षा आतताइयों से करें, आक्रमणकारियों से करें। मगर लखबीर सिंह की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ड्रग एडिक्ट था। वो कोई सेना लेकर वहां नहीं आया था गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन करने। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आपको बताया, यह मामला बहुत पेचीदा है, हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। अगर आप हिंसा को जायज ठहराएंगे, चाहे धर्म के रास्ते ही सही, तो आने वाले दिन इस देश के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं दोस्तों। फिर इसी लॉजिक का फायदा उठाकर माइनॉरिटीज को इस देश के अंदर टारगेट किया जाएगा। और जब तक इस देश के अंदर माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र एक ढकोसला बना रहेगा। चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हमें हर जगह देश की माइनॉरिटीज को संपूर्ण सुरक्षा देने का वादा करना होगा। इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह से न्यूज चक्र में हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आएंगे। हो सकता है जो बातें मैं आपको कहूं आप में से कई लोगों को कड़वी लगे, मगर इस बात का डर ना न्यूज क्लिक को है ना मुझे है। क्यों? क्योंकि पिछले 7 सालों में जो राजनीतिक संवाद रहा है, उसका मकसद साफ है कि ऐसी बातें कहें जिससे कट्टरवादी खुश हो, ऐसी बातें करें जिससे बहुमत खुश हो। और मेरी पत्रकारिता ऐसे सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मेरी पत्रकारिता आप तक सच पहुंचाना है। वो सच कड़वा हो सकता है, वो सच ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोच उससे प्रभावित हो, आपको तकलीफ हो। मगर जब मैं उस सरकार के सामने सच कहने से नहीं डरा जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, तो मैं और किसी के सामने क्यों डरूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।